तो मैं उनको कहता हूं बंजर जमीन ना बनो, बंजर जमीन नहीं बननी। इसके मुतालिक फिर ये भी है, जब आपने सजदा करना है तो ऐसा सुकून मिले कि सजदे से आप सर ना उठा पाए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, ये जा और वो जा, और नमाज में भी सब्जी मंडी में पहुंचे हुए, तरह तरह के ख्यालात हैं। मैं जो सरे बस सजदा हुआ कभी, जमीन से ये आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और या फिर ऐसी नमाज हो के मुझे क्या खबर थी नमाज की, और कब खबर हुई सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। नमाज तो फिर पीछे रह जाती है। हमने वो आलम लेके आने हैं, वो फल लेके आना है। आप देखना जंतों में ऐसी ऐसी चीजें, अभी आप इरादा ही करेंगे आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जितने दुख गम कुर्बानियां आप खुदा के लिए दे जाएंगे, आप खुश नसीब है, खुश नसीब है। अब देखे ना, मुझे जब कैद हुई तो जब कई सालों की कैद होती तो अंधेरा आ जाता है, तो उस लहमे में मैंने खुदा से कहा जब भी मैं कभी कैद खानों से बाहर आऊंगा मेरी नई जिंदगी भी तेरे लिए होगी। ठीक है कि नहीं? तो ये जितने दुख मुसीबतें आती हैं इनको मोहब्बत और सब्र से बर्दाश्त करना है। इस दुनिया का हाल ये है कि अमीर जो है उसका पूरा नहीं पड़ता, अमीर हुए जाता लेकिन पूरा नहीं पड़ता, और गरीब जो है वो शिकायत करते करते थक जाते हैं। अमीर गफलत में है और गरीब जो है उसे शुक्र नहीं हो रहा। हमने दुनिया को छोड़ दिया। तो बाकी जो भी आपके सवाल होंगे आप मुझसे करें, इससे आपकी मार्फत आगे आएगी। जितना आप समझेंगे उतने ही आप नजदीक आएंगे खुदा के। लेकिन जो बुनियाद, जैसे वो आपकी बात मेरे दिल पे लगी कि मुझे भी तो कुछ इंसानों के लिए करना है या देना है ताकि मेरा नाम भी आए, तो मेरा ये हाल है कि जब कुछ जो भी आता है वो पैसे इकट्ठे होके, अब जैसे अभी हमने 2 मिलियन फ्लाई तैयार किए, 2 मिलियन, वो मेखला आपने देखे भी होंगे, मैंने भेजे आपको वो बुकलेट, नहीं भेजी फ्लाई, वो जिसमें 12 सफ़े की वो है। अच्छा, नहीं भेजा अभी आपने, व्हाट्सएप पे भेजी है जी, मैं फिर भेज देता हूँ जी, मैं फिर भेजता हूँ। आपने सिर्फ नमाज का तरीका भेजा है। हाँ, लेकिन वो या गालबन मैं नहीं भेज सका, मैं फिर भेज देता हूँ। तो वो 2 मिलियन 12 सफ़े की है, उसमें ये है पहला कि मसीह जमान और खुदा का इस दिल जो है वो इस वक्त जमीन पे है। तो आओ मैं इंसानियत को कह रहा हूं कि मैं तुम्हें खुदा से मिला दूं। उसमें किताबें मैं भेज दूंगा आपको। तो जब मैंने अपील की तो फिर 1 लाख यूरो इकट्ठा हुआ मेंबरों की तरफ से भी, तो फिर वो मैंने 80,000 मैंने उसी वक्त उसको दे दिए। वो 12 सवे का वो है, पूरी यूरोप में वो जाएंगे मुफ्त। उसमें से भी जब मेंबर किताबें लेके चलते हैं जर्मनी में या यूरोप में, तो वो किताबें भी मैं 2 दिन मुफ्त बांटता हूँ। बस वो एशिया में जब भेजते हैं तो बड़ी महंगी पड़ जाती है, पाकिस्तान में आगे पीछे
तो उनके लिए लिखा मैंने ई बुक डाउनलोडिंग कर ली। तो जो कुछ आता है वो मैंने खुदा के लिए रख छोड़ा है, अपनी जिंदगी भी खुदा के लिए रख छोड़ी है, तरबियत औलाद की ऐसे की है कि ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। वहां सबसे पहला सवाल ये होगा कि इसने इंसानियत के लिए क्या किया है, और जब ये पता लग जाएगा तो फिर पूछा जाएगा इसने मुझसे मोहब्बत भी की कि नहीं। बस ये दो चीजें। तो सजदा करें तो उसमें सुकून मिल जाए। जब दिमाग का यह हाल हो कि आपकी सुई खुदा की फिक्र पे जाके रुक जाए, ना कोई सोच आए ना कोई सोच जाए, इसे कहते हैं खालिस फिक्र इलाही, वहां पे जाके खत्म हो जाए, कोई सोच ना रहे, फिर शऊर का आलम यह हो कि आपके दिल में खुदा के सुकून की नदियां बहनी शुरू हो जाए जैसे जंतों में बह रही हैं। फिर जमीर का हालत यह हो आपकी जमीर की कि फरिश्ते आपका हाथ पकड़ के अपनी जंतों में ले जाएं और खुदा की मार्फत के मुतालिक बताएं। और दिल का हालत यह हो कि खुदा की आवाज और खुदा का दीदार हो जाए। और रूह का हाल यह हो कि जाके खुदा के हजूर खड़ी हो जाए। ऐसी इबादत करनी है। तो इबादत जो है वो दरख्त है, याद रखें क्या है, दरख्त, उसका फल जो है वो मोहब्बत इलाही है। इबादत की और फल नहीं लगा तो ये तो इबादत जाएगी सारी। तो अब आपने जो करना है पूछ लिया करें, और मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की भी तरबियत कैसे करनी है। वक्त मिले तो उनको किताब पढ़ के खुदा के मुतालिक बता रहे कि मतलब रास्ता है, हमने मंजिल पे पहुंचना है, नबी रास्ता है, मंजिल नहीं है हमारी, हमने आगे जाना है। तो इन चीजों पे यकीन रख के आगे चलना है आपने। तो कोशिश ये होगी कि अगर आपने चार पांच लोग भी तैयार कर लिए तो आहिस्ता आहिस्ता तो वो उन चार पांच चिरागों से और चिराग भी जल सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि पहले एक चिराग जलाए, फिर ये कि अगर अब मेरे घर वाले हैं ये जितने लोग हैं ये इनका सारा काम जो है वो खुदा की मंशा पे है, सुबह से शाम ये काम करते हैं खुदा के लिए, ठीक है। तो कोई और सवाल है तो कर ले। इसकी शरीयत में सब मंसूख हैं, रोजा हज ज़कात नमाज फितरा, ये जो शरीयतें हैं यूं समझा देता हूं आपको, ईसा इब्ने ज़करिया मूसा की शरीयत में पैदा हुए, ठीक है, मूसा की शरीयत में पैदा हुए, बनी इसराइली थे, आप यहूदी कह लें, यहूदी थे। अब एक औरत और एक आदमी को लाया गया और कहा गया इसने इन्होंने गैर कानूनी काम किया, यानी कि इन्होंने जिनसी ताल्लुकात किए, ठीक है, और हमारी तौरात कहती है कि इन्हें पत्थर लगे। अब मुसलमान ये कहते हैं कि ईसा इब्ने ज़करिया शरीयत की पैरवी करते थे, गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। तो आपने काफी कुछ देर के लिए सोचा और आपने कहा पहला पत्थर इन्हें वो मारे जिसने खुद जिना नहीं किया, इन्हें खुद गलत काम नहीं किया। वहां सारे जानी खड़े हुए थे, सारे झूठे खड़े हुए थे, तो वहां पे कोई नहीं पत्थर मार सकता। आपने कहा किताबें मुकद्दस पे हाथ रख लो और फिर कहो
जिसने गुनाह नहीं किया वो मारे पहले पत्थर। वहां पे कोई ताई नहीं, चले गए। जब चले गए तो आपने उन औरत और आदमी से कहा खुदा माफ करने वाला है, वो रहम करने वाला है, खुदा कुर्बानी नहीं मांगता दम्बों की, खुदा रहम मांगता है। अब ये तो कुर्बानी करते हैं लेकिन समझते नहीं, खुदा आपसे आपके नफ्स की कुर्बानी मांगता है। मैं जंतों में जब पहुंचा तो इसहाक से मुलाकात हुई, जो इब्राहिम के बेटे भी हैं। वैसे तो 10 बच्चे थे मुख्तलिफ औरतों से, 3 औरतों से। तो इसहाक मुझे कहते हैं, ये झगड़ा भी है कि वो इस्माइल था या इसहाक था जिसकी कुर्बानी दी गई, तो वहाँ फरिश्तों से पता लगा कि वो इसहाक थे। हाजरा चली गई थी इस्माइल को लेकर। तो इसहाक मुझे कहते हैं, इसहाक के मैंने पर देखे इतने बड़े थे जैसे फरिश्तों के पर। जब उतरा जन्नत में उतर रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई जहाज जन्नत में आ रहा है। तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो जिंदा खुदा की बातें हैं, कोई किस्से कहानियां नहीं है। तो जब उतरा है तो उतरते के साथ ही पहली चीज जो इसहाक ने की वो मेरे कदमों को बोसा दिया और कहा कि मेरी खुदा से तमन्ना थी कि मेरी मुलाकात जो है आपसे हो जाए। तो वहां इसहाक ने एक बात बताई मुझे कि जब मुझ पे छुरी फिरने लगी तो मैंने खुदा की आवाज सुनी। अब ना ये कुरान में है, ना तौरात में है, ना अंजील में है वाकिया, वो मैंने अपनी लाल किताब में लिखा। आवाज थी कि ऐ इसहाक, ये जो सर है ये तन से जुदा हो जाए लेकिन तेरी मोहब्बत मुझसे जुदा ना हो। तभी तो कहा कि अब्बा जान कहीं हमारी आंखें मिली तो आपको रहम ना आ जाए, बाप का जज्बा। तो मुझे जरा ऐसे करके बिठाए ताकि हमारी आंखें ना मिले। ये उल्फत की दुनिया है, जंतों में कदम रखने से पहले उल्फत की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। तो वो इसहाक मुझे खुद बताते हैं कि खुदा खुश हो गया जब मैंने अब्बा जी से कहा कि मेरी आंखें ना, मेरी आंखें मिल गई कहीं वो फिर ना आ जाए और आप कुर्बानी ना देख सके। खुदा चाहता क्या था? हम तो ये खुदा ज़िबा करना नहीं चाहता था। खुदा को खबर थी कि अगर इसहाक ज़िबा हो गया तो यहां कोई भी ज़िबा नहीं करेगा। खुदा चाहता ये था कि इब्राहिम के दिल में पहली मोहब्बत किसकी है, बस ये चाहता था कि बस ये नहीं हमारे दिल में चौथी पांचवी मोहब्बत में खैर खुदा की होगी, पहले अहले वयाल का फिक्र है। खुदा ये देखना चाहता था कि इब्राहिम की मोहब्बत क्या अपनी मेरे लिए जो मोहब्बत है वो औलाद से ज्यादा है या कम है, क्योंकि औलाद पे हमारी निगाहें पीछे चली जाती है। तो इसी के मुतालिक वो फिर बच्चे तो 10 थे, तो उन 10 बच्चों में सिर्फ 2 को बरकतें मिली, सिर्फ 2 को। और जो 8 थे वो दुनियाई बच्चे थे। तो जब इब्राहिम बूढ़े हो गए दिखाई भी देना नहीं लगा, तो खुदा की जात आई और कहा कि इब्राहिम वाइज अब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाति। वो जब मुसीबतों से, दुखों से, इम्तिहानों से गुजर गया इब्राहिम, तो खुशखबरी देने के लिए खुदा आया और कहा इन जाहिलुन फिल अर्ज़ वाइज अब्तला रब्बुहु बिकलिमाति फतम्महुन्ना काल इन जाहिलुक लिन्नासि इमामा। मैं तुझे इंसानों का इमाम बनाऊँ। तो इब्राहिम दिल में खुश हो गए। तो इस खुशी के आलम में देखा कि रब खुश है
तो कहा वो जरूरी थी, मेरी औलाद में थी वो नाना, सब औलाद को इकट्ठा कर दिया लहमे। खुदा ने कुछ लहमे सोचा और कहा ला याहनुल अहद ज़ालिमीन, मेरा अहद ज़ालिमों के साथ नहीं होगा। तो खुदा कह क्या रहा था, तेरे दो बच्चे अहले दिल थे, मैंने बरकतें दे दी, बाकी जो आठ हैं ये जालिम है। तो जो सबसे बड़ा जुल्म जो है इस जमीन पर, आप खुदा की कदर कीमत को भुला दें, ये जुल्म है सबसे बड़ा। खुदा की कदर कीमत को जान जाए, आप किसी पे जुल्म कर ही नहीं सकते, आप किसी के खिलाफ सोच नहीं सकते, आप बद्दुआ की बात नहीं कर सकते, अगर आप खुदा के दिल को पहचान लें खुदा की मोहब्बत में, क्योंकि वहां से जो नहरे और दरिया निकलते हैं खुदा की मोहब्बत के, उनमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, उनमें माफी है, रहम है, कोई कुर्बानी शुरबानी नहीं है। तो मैं आप जब मैं ये लेक्चर इसीलिए आप जर्मन जब मैं देता हूँ सेमिनार तो लोग सुनते हैं और बदल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये है, लेकिन रुत बदल जाएगी। तो और जो कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर अगले वक्त रख लेते हैं। जी मैं आमतौर पे सिगरेट शराब और किसी किस्म का नशा नहीं करता हूँ जी, और आपसे मालूम करने का मकसद मालूम करना है, खुदा ना खास्ता आपकी बातों को पकड़ना मेरा मतलब मकसूद नहीं है जी जी, मैंने अगर आपकी बातों को पकड़ा तो खुदा मुझे घेरेगा और खुदा की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ होती है। तो ये बयान करने के बाद पूछना चाहता हूँ, अब क्या अल्कोहल जो है वो आदमी इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। किस मिकदार तक? आज नोहा पीते थे शराब जी, आपने बताया ईसा इब्ने ज़करिया पी और अंबिया पीते थे, बल्कि इस्लाम के आने के बाद 10 साल तक शराब जो है वो हराम नहीं हुई। और वाकिया ये हुआ कि हमजा जो थे ना चचा मोहम्मद के, उसने शराब के नशे में अली की दो ऊँटनियां काट डाली। तो अली रोते हुए आए और कहा कि चचा ने हमजा ने मेरी दोनों ऊँटियां के जिगर निकाल दिए। आप गए बात करने तो उसने कहा तू तो मेरा गुलाम है मोहम्मद अल्लाह के नबी, तू तो मेरा गुलाम है। उस वक्त तो आप खामोश हो गए। फिर इनकी हालतें ये हुई कि ये शराब के नशे में मस्जिदों में आते थे, शोर और गुल करते थे, तो फिर मना हुई। तो फिर शराब जो है, मुझे यही सवाल किया गया था, मैंने कहा ये तो यूरोपियन है, ये ऐसे नहीं पीते जैसे हम पीते हैं जी। खाने के साथ वाइन पी ली जी जी। तो मैंने कहा तुम इनके ऊपर चढ़े हुए कि शराब पीते हैं, तुम तो इंसानियत का खून पीते हो जी। ठीक है, ये तो एक शराब है जिसे पी के सुबह के वक्त सिर में दर्दी हो जाती है, ठीक है जी जी जी। लेकिन मैं आपको ऐसी शराब ना पिलाऊं कि जिसको पी कर आप वजन में आ जाए, वो शराब फिर खुदा अपने हाथ से आपको पिलाए। वो ऐसी शराब होगी कि उसको पी के आप होश में आ जाएंगे। ये पी के मदहोश हो जाते हैं आप, वो पी के होश में आ जाएंगे। अल्लाह नसीब फरमाए। तो मैं शराब सिगरेट जो है उसकी बदबू जो है वो रूह में रह जाती है जी। सिगरेट जो है जी। उसकी बदबू रूह में आ जाती है, रूह में आ जाती है और चर्स और ये भी रूह में आ जाते हैं। तो अगर एक हफ्ते या जैसे ये पीते हैं तो वो शराब जो है, क्योंकि वो जंतों में खुद पिलाई जाती है। अब जैसे हमारे वालिद साहब हैं, जब वो 90 साल के हुए हैं तो मेरी तालीमात पे अमल किया, ईमान ले किया है मेरी तालीमात पे। तो वो खुद बताते हैं कि रात का आलम था कि मुझे किसी ने उठा दिया और उठा के मेरे पांव उठा के दूसरी तरफ किए।
तो मैंने कहा मैं डर गया। तो फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों ने कहा तेरे सामने जो है वो खुदा की किताब पढ़ी हुई है और तू अपने पाँव रख वहां करता है। तो कहता मैं डर से कांपने लगा और मेरी जब आंख खुली तो मेरे पैरों के पास जो मेरे पैर थे उस तरफ तू सोया हुआ था। तो कहते हैं कि उसके बाद फरिश्तों का हमारे साथ चल। तो मैं चला तो मुझे एक ऐसी जन्नत में ले गए, कहा ये तेरे लिए है लेकिन तू यहां आ नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं तो कहते मैं रोने लगा। कहने लगा अगर तू आना चाहता है तो तेरे घर में सूरज है, तेरे घर में खुदा का मसीह समा है, उस पे फिर ईमान ले आ। ईमान ले किया बस वो फिर सुबह रोते रोते ईमान लेके आए। 90 साल सिगरेट पीते थे, सिगरेट भी उसी दिन छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो हमने वो शराब पीनी है जो सिर में दर्दी ना करे।